हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एक बार पुनः न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और आज हमें शहडोल पर, शहडोल में सुबह से ही आ गए थे क्योंकि हमारा टाइम था 12 बजे का और हम हैवी लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिसमें से हमारा टाइम था 12 बजे आने का और 12 बजे हमारा फोटो जो है मतलब खींचने का टाइम था, लेकिन आज समय दे दिया गया है 4 बजे, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। और इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ विश्राम करेंगे, घूमने आए, मंदिर का दर्शन करेंगे। शिव मंदिर है बाणगंगा का शिव मंदिर शहडोल में। जो भी बंधु शहडोल के हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो भी हमारे बाहर से जुड़े हुए थे, शहडोल में आपका बाणगंगा शिव मंदिर है, ये भी थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम पास पे जाकर दिखाएंगे। और आज मेन चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा टाइम से, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं रेगुलर और ब्लॉग्स वीडियो देखते हैं। और आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसे कैसे प्रतिमाएं बनी हैं। और ये पुरातात्विक स्थल है, मतलब पुरातात्विक मंदिर है, एक प्रकार शिव मंदिर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृति दिखाई गई है, उसे आपको दिखाते हैं। चलिए आगे चलकर, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और 12 बजे भी धूप में भी इतनी हरियाली एकदम आकर्षक दिख रहा है। और यहाँ थोड़ा सा सुनसान है क्योंकि लॉकडाउन पे ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं, इस कारण से बहुत ही अच्छा जगह है और प्रदूषण भी कम है इस टाइम पे, तो इस कारण से पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छे ढंग रूप लेकर रखे हुए हैं। देखिए छोटे छोटे फूल लगे होंगे, हरियाली भरी एकदम गार्डन जैसा लगता है, हालाँकि छोटा सा क्षेत्र है। चलिए चलते हैं, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये है मंदिर की सीढ़ियाँ, इसके बाद क्रम क्रम से आपको पूरी जगह दिखाएंगे और अंदर का भी सीन दिखाएंगे कि अंदर क्या है। तो इधर देखिए आप साइड में, यहाँ पर देखें कलाकृति, ये खजुराहो से मिलती जुलती कलाकृति है, बिल्कुल खजुराहो जैसे आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से खजुराहो में है ना पूरे कंटेंट मिलेंगे, यहाँ तो कम खतरनाक है प्यारे भाइयों। खजुराहो के मंदिर में आप देख लेंगे तो ऐसा लगता है जैसे फैमिली को लेकर ना जाना पड़े। तो वास्तव में उस समय पे कितने अच्छे कलाकार रहे होंगे, मूर्तिकार, जो कि ऐसी कलाकृति करते थे। देख सकते हैं पत्थरों पर सृजनात्मक ढंग से कलाकृति दिखाते थे और आज भी इनका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि दीवार पे आपको देखने को मिला हल्का क्षरण। और ये मूर्तियाँ बनी हुई, बिल्कुल हर भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और विभिन्न प्रकार के रूप रंग ढंग देख सकते हैं, प्रेम स्नेह सभी प्रकार के, कुछ जानवरों के भी है ना। तो ये देख सकते हैं पीछे का सीन दिख रहा है आपको, पीछे का सीन दिखेगा, ये देख सकते हैं, ये अपन पीछे आ चुके हैं। और नीचे देख सकते हैं पत्थर हल्का सा थोड़ा सा क्षरण हो रहा है क्योंकि ये लगभग 11वीं सदी से बना हुआ है, तो काफ़ी दिन हो चुके तो क्षरण तो होगा ही। और जस्ट रोड के साइड में ये, इसलिए गाड़ी वाहन का भी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि अभी भीड़ कम है, संध्या के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है ऐसा सुनने को मिला है, क्योंकि हम तो आज यहाँ पहली बार आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंदर का नज़ारा। तो फाइनली हम अंदर प्रवेश किए और देखे कि यहाँ भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है, 11वीं सदी का बना हुआ,